दूसरा सिस्टम है वो ये है कि अपन इसको जो है टेस्ट लैंप वाला सिस्टम है। तो टेस्ट लैंप के द्वारा अपन इसको कैसे चेक करेंगे कि मोटर को किस पे करंट आ रहा है या नहीं, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें इसका इंसुलेशन सही है या नहीं, या इसकी वाइंडिंग कंटिन्यू दर्शा रही है या नहीं दर्शा रही। वाइंडिंग की चेक हो जाती है। अब हमसे कोई कहे कि इसके अंदर का एक वाइंडिंग ज्यादा से काट मिल गया तो हम यहाँ चेक करके पता कर सकते हैं उसको। अगर जिस वाइंडिंग के साथ वो टैप नहीं चलेगा उसी वाइंडिंग का आपस में कंटिन्यू उसी को सुधार के कहीं ना कहीं तो आपको ठीक है एक टेस्ट टैप लेना है। इस तरीके से आपको इसकी सीरियल बनाना है। करंट का काम करोगे दस्ताने पहन के काम करना ठीक है ना। अपन ये दस्ताने पहन लिए और इसकी जो लैंप से टेस्ट करते हैं इसका वोल्टेज कम होना चाहिए, कम से कम हाफ की सप्लाई का 20% दिया जाता है, 20% वोल्टेज पर टेस्ट करेंगे। तो हमने ये दोनों तार पहले हम लैंप को ही टेस्ट कर लेते हैं। मतलब अपनी कंट्री अभी सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए बड़ा बड़ा लैंप खराब था कंट्री खराब तो ये चेक कर ली तो चलेगा नहीं, मैं कभी सही नहीं ऐसा नहीं। पहले अपने जिस लैंप का प्रयोग कर रहा है उस यंत्र को चेक कर लो कि वो सही है या नहीं है। ऐसे ही मेगर को चेक करते हैं, मेगर को लगाने से पहले दो घंटे आपस में टच कर लो, फिर इस तरह तो जीरो आना चाहिए, इसका मतलब सही है ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं, सबसे पहले हमने पहले वाले टर्मिनल पे लगाया और इस पे चेक किया, सॉरी हम टर्मिनल की पहले बॉडी करते हैं, टर्मिनल से करना पड़ेगा एक बॉडी पे, हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे लगाया तो देखो सेकेंड पे लगाएंगे ठीक है, या सॉफ्ट अच्छी है देखो सॉफ्ट लगा सकते हैं। अब एक काम करके हम आपको दिखाते हैं, देखना जे अभी नहीं जल गया था, जल गया क्या नहीं, लेकिन हम जान कुछ के तार को यहाँ टच कर देते हैं, देखो लैंप जल जाए क्या इसकी बॉडी पर है आ जा रहा है, मतलब ये तार का मतलब जे कि यहाँ टच है इसके अंदर से टच, देखो जे यहाँ टच करेंगे अपन ऐसा चलेगा लैंप, अगर इस अंदर जो है इसका इंसुलेशन किसी बार का खराब होगा तो लैंप तुरंत जल जा रहा है। Yeah.
इसी को तो बोलते हैं परीक्षक सहायक, मतलब जो टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग करने के बाद अपन को टेस्टिंग करके छोड़ देंगे, जैसे मान लिया स्टैंडर्डाइजेशन का मार गया, अब जमीन है कि जिसमें टेस्ट किया वो इसलिए संस्था आ गया, इसको उसे पता चल गया टेस्ट करके कि इसका स्टेशन खराब हो तो कह देगा इसको मैंटेनेंस में डलवा दो। तो मैंटेनेंस भी एक अलग से जो सेक्टर बना रहता है, वहाँ पे 8-10 व्यक्ति लगे रहते हैं, यही काम करते रहते हैं। उनका काम ही है जो मोटर आई उसको पकड़ो, उसका स्टेशन में बांध डालो, सही करके चेक करके मैं वापस दूँ। तो टेस्ट करने वाला तो छोड़ देगा, टेस्ट हो गई अब वो जाना उनका काम ना। जैसे एक स्टेशन को ऑपरेटर की परीक्षा सहाय कर गया, उसका काम टेस्ट करना है, हमारे लिए ट्रांसफार्मर उसने स्टेशन टेस्ट किया नहीं यार, और ऐसा थोड़ी के बहुत अकेला काम है, वो तो बस रिपोर्ट बना के भेजेगा क्योंकि खराब है, उसके बाद वो अपने आप आए चाहे ना आए वो।